नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्यूटी सक्सेस पर। और ये तो आप सब लोग जानते होंगे कि 11 जुलाई को SSC CHSL का एग्जाम खत्म हो चुका है, जो कि टोटल 25 सीट में कंप्लीट कराया गया है। तो कई दिनों से काफी लोग मुझे कमेंट करके बोल रहे कि SSC CHSL के एग्जाम की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर एक वीडियो लेकर आओ। तो फाइनली मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो लेकर आया जाए, जिसमें आपको कंप्लीट डिटेल्स इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बताऊं। तो फाइनली मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ गया हूं। तो हाल ही में यानी कि कल SSC ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसके रिटन एग्जाम से रिलेटेड एक ऑफिशियल नोटिस भी पब्लिश किया है, जिसमें इन्होंने इसके रिजल्ट डिक्लेरेशन की डेट भी बताई है कि कब आपका इसमें रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा, और साथ ही और भी कुछ इंपोर्टेंट डिटेल्स दी है, जो कि इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल से बताने वाला हूं। साथ ही मैं आपको आंसर की के बारे में बताऊंगा कि कब आपके आंसर की आने वाली है, और इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में तो हम बात करने ही वाले हैं। तो आज का भी ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल रहने वाला है, इसलिए आप वीडियो को पूरे ध्यान से और आखिर तक जरूर देखें। तो फ्रेंड, जो लोग ये सोच रहे कि हम एग्जाम में कम ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, तो उनके लिए भी इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए आप वीडियो को पूरे ध्यान से जरूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में ही बात कर लेते हैं, जो कि कल SSC ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश किया है। तो फ्रेंड, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये SSC ने कल यानी कि 12 जुलाई 2019 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश किया है, जिसमें इन्होंने स्टार्टिंग में बताया कि जो SSC CHSL का टायर 1 का एग्जाम चला वो 1 जुलाई 2019 से लेकर 11 जुलाई 2019 तक, यानी कि टोटल 9 दिन के अंदर एग्जाम कंप्लीट हुआ है। और नीचे इन्होंने कुछ 8 इंपोर्टेंट पॉइंट्स भी दिए हुए हैं। सबसे पहले आप लास्ट का पॉइंट देखें, यानी कि 8 पॉइंट यहां पर इन्होंने दिया कि टेंटेटिव डेट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, यानी कि रिजल्ट के डिक्लेरेशन की एक टेंटेटिव डेट बताई है, 11 सितंबर 2019, यानी कि 11 सितंबर तक आपका रिजल्ट भी आ सकता है। बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के डिटेल में बात करने से पहले कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दिए हैं, इनके ऊपर हम बात कर लेते हैं। आप पॉइंट फर्स्ट देखिए, टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स, यानी कि जो इस बार टोटल फॉर्म अप्लाई किए गए थे SSC CHSL के एग्जाम के लिए, वो करीब आपके 29.68 लाख, यानी कि टोटल आपके 30 लाख के आसपास आपके फॉर्म अप्लाई हुए थे। और जो सेकंड पॉइंट है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपेयर्ड इन एग्जाम, यानी कि जो कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया है, वो लगभग आपके 13 लाख कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है। जो ओवरऑल परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस की इस बार रही है, वो आपकी करीब 44.37%, यानी कि 44% इस बार कैंडिडेट प्रेजेंट रहे हैं एग्जाम में, जो कि पहले के मुकाबले काफी कम है। तो फ्रेंड्स, ये था वो नोटिस जो कि SSC ने कल अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश किया, जिसमें इन्होंने इसके रिजल्ट आने की डेट 11 सितंबर 2019 बताया। बात करते हैं इसकी आंसर की के बारे में। तो जो आपकी आंसर की आएगी, वो लगभग आज से 7 या 8 दिन बाद आपकी आंसर की भी पब्लिश हो जाएगी। तो आते हैं इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि इस बार आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। मैं आपको केवल एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में ही बता रहा हूं। तो उससे पहले हम कुछ प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देख लेते हैं कि SSC CHSL की प्रीवियस ईयर में क्या क्या कट ऑफ रही थी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके पीछे भी एक बड़ा लॉजिक है। तो चलिए सबसे पहले 2015 की हम कट ऑफ देख लेते हैं कि जनरल कैटेगरी की क्या गई थी। तो जो 2015 में SSC CHSL की जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई थी, वो करीब 119 मार्क्स गई थी, और वहीं आपकी OBC की जो 2015 में गई थी, वो आपकी 110 मार्क्स पर गई थी। तो आप यहां पर डिफरेंस देख सकते हैं दोनों कैटेगरी के बारे में, और जो आपकी बाकी की कैटेगरी है, वो आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। तो जो लॉजिक है पॉइंट के ऊपर, वो ये है कि जो 2015 में कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे रिटन एग्जाम में, वो करीब 60,975 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे। बात करें 2016 की जनरल कैटेगरी की, जो 2016 की कट ऑफ आपकी रही थी, वो 127.50 मार्क्स रही थी, और बाकी कैटेगरी की आप देख ही रहे होंगे, और जो 2016 में कैंडिडेट रिटन एग्जाम में क्वालिफाई हुए थे, वो लगभग आपके 53,201 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे। बात करें आपकी नेक्स्ट ईयर, यानी कि जो 2017 का एग्जाम था, जो कि 2018 में हुआ था, उसकी जो जनरल कैटेगरी की आपकी कट ऑफ गई थी, वो 143, यानी कि 143.50 मार्क्स आपकी कट ऑफ गई थी, 143 कट ऑफ मार्क्स, जो कि बहुत ही ज्यादा है। 2016 के मुकाबले 2018 की कट ऑफ बहुत ही ज्यादा बाउंस किया है, और जो आपकी 2018 में टोटल कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे, करीब आपके इसमें 48,404 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे। तो फ्रेंड्स, यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो कैंडिडेट क्वालिफाई होने का रेट है, वो घटता जा रहा है। सबसे पहले आपके 60,000 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे 2015 में, फिर आपके 53,000 कैंडिडेट क्वालिफाई, और लास्ट में आपके 48,000, और जो आपकी कट ऑफ है, वो आपकी बढ़ती जा रही है, क्योंकि आपका कॉम्पिटिशन यहाँ पर डेली बढ़ता जा रहा है। तो इस बार ऐसा नहीं होगा। काफी लोग ये सोच रहे हैं कि हर बार आपकी आपकी जो कट ऑफ है, उसमें 7 से 8 मार्क्स बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस बार का जो एग्जाम था वो एग्जाम का पैटर्न कंप्लीटली चेंज था, क्योंकि जो एग्जाम इस बार एसएससी का कराया वो टीसीएस कंपनी ने कराया, जो कि डायरेक्टली आपका कंप्लीटली आपका एग्जाम पैटर्न बिल्कुल चेंज था। और जो इस बार का क्वेश्चन पेपर का गुड अटेम्प्टेशन रेट रहा है वो भी काफी कम रहा है। जो इस बार गुड अटेम्प्ट की है यानी कि ज्यादातर कैंडिडेट ने जो क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किया वो 17 to 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, यानी कि 70 से 75 क्वेश्चन काफी ज्यादा लोगों ने सही किया है। इसका मतलब यह है कि आपकी कट ऑफ जो सभी कैटेगरी की एवरेज कट ऑफ अगर आप देखें वो 140 मार्क्स से लेकर 150 मार्क्स के बीच में रह सकती है। तो फ्रेंड्स आपको गुड अटेम्प्टेशन आपका ये रहा है, तो बात करते हैं कि आपकी इस बार की कट ऑफ क्या रह सकती है। जो जनरल कैटेगरी की आपकी इस बार की कट ऑफ रहेगी वो करीब 144 मार्क यानी कि 144 मार्क्स आपके रहने वाले हैं। ओबीसी के बारे में बात करें तो आपकी 140 to 142 यानी कि 140 से 142 के आसपास रहेगी। एससी कैटेगरी के बारे में बात करें तो एससी कैटेगरी की आपकी लगभग यहाँ पर 125 मार्क्स के आसपास रहेगी, एसटी कैटेगरी की आपकी 113 के आसपास, और बाकी की जो आपकी एक्स सर्विसमैन वगैरह कैटेगरी है पीएच वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये केवल मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है, ऑफिशियल कट ऑफ मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। ऑफिशियल कट ऑफ जब आएगी इस कट ऑफ में और उस कट ऑफ में थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा, 1 या 1.5 मार्क का आपका डिफरेंस रह सकता है, यानी कि 1 या 1.5 मार्क आपकी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन आपका ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स ये आपका इस बार की कट ऑफ है, लेकिन फैक्ट क्या है इस बार का? इस बार आपका नॉर्मलाइजेशन भी होने वाला है, यानी कि पहली बार एसएससी सीएचएसएल में नॉर्मलाइजेशन होगा। 2015 2016 या 17 में आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था। अब जो लोग ये सोच रहे कि यार पढ़ने में हम ठीक है, आपको उम्मीद लग रही थी कि आपको बिलीव था कि आप काफी अच्छा कर सकते हो रिटन एग्जाम में, लेकिन फिर भी आप अपनी उम्मीद के अकॉर्डिंग ज्यादा अच्छा नहीं कर पाए, तो ये आपकी गलती नहीं है, ये आप गलती है आपकी शिफ्ट की, यानी कि जो आपका शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर था वो थोड़ा टफ था बाकी शिफ्ट के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपका शिफ्ट का एग्जाम यानी कि क्वेश्चन पेपर टफ था, हार्ड था, तो यहाँ पर आपको प्रॉपर नॉर्मलाइजेशन भी दिया जाएगा। आपको नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स आपके 10 या 12 जितने मार्क्स आपके बढ़ाए जाएंगे वो बढ़ाए जाएंगे अगर आपकी शिफ्ट यहाँ पर टफ थी। तो अगर आप ये सोच रहे कि यार हमारा क्वालिफाई होना तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि आप केवल 50 या 60 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, तो आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी शिफ्ट टफ थी तो आपको वहां पर नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स डेफिनेटली मिलेंगे। तो फ्रेंड्स ये थी आज के वीडियो का पर्पस बनाने का, काफी लोग कमेंट करके बोल रहे थे इसलिए मैंने आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है। इस बार का अगर हम एनालाइज देखें तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ यही बैठती है जनरल कैटेगरी की 144 मार्क्स, और बाकी की कैटेगरी आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था वीडियो, केवल एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ, ऑफिशियल कट ऑफ मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आपका अब भी कोई डाउट हो या फिर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आते रहता हूं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।